आ गया मैं टू एक्साइटमेंट में चला देते हैं, मजा आता है ना। पिछले 60 साल में आप सिलापास से कितने बार गुजरे हैं? हम सिलापास से तो हजार बार गुजरे रहा हूं बड़े कई हजार बार। और सुनो, आ ही गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, भाई की थोड़ी सी मदद हो जाएगी, क्या कहते हो? हाँ, सिला यहाँ से 23 किलोमीटर है और बर्फीला पहाड़ नजर आना शुरू हो गया। तो सर जी कह रहे हैं अच्छा हुआ आप मिल गए, नहीं तो अकेले बोरिंग हो जाता है है ना। आप मतलब कितने दिन में जाते हो एक बार? मेरा एक आदमी लेने जा रहा है। ओ, किसी को लाने जा रहे हैं? लाने जा रहे हैं। बर्फ जो है यहाँ पे जो है ये वाली पहाड़ पे ठीक तरह से धूप नहीं पहुँच पाता है, थोड़ी बहुत पहुँचता है। हाँ, ये नीचे भी तो एकदम बंदर जैसे पानी का ऐसे बर्फ जम के बंदर जैसे ऐसे नीचे में मिलेगा। नीचे में ना पूरा कांच जैसा हो गया है बर्फ जम के। ये देखो ये, हाँ ये जैसे हो गए। मतलब बर्फ पत्थर हो गया है और जिस टाइम पे इस रोड पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होता होगा, घुटने तक बर्फ होता है? घुटने नहीं, गरी ट्रक में घुस जाते हैं यहाँ तक। नहीं, गरी पूरा ट्रक बर्फ में ट्रक में घुस जाते हैं क्योंकि बस सेट करके रखते हैं ना, और हट नहीं जाते, पूरा गट्टा हो जाते हैं। ये ट्रक घुसेगा ये सब में बर्फ नहीं गिरा ना, बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है, पहले तो बहुत आदमी मरता था गरीब फंस के। बर्फ से बर्फ में नमक डालते है ना, निकलने के लिए नमक डालते हैं बर्फ में, इसलिए नमक से वो पूरा खत्म कर देते हैं, खत्म कर जल्दी पानी होके चला जाता है। लू जो सीएम साहब तो करिए नहीं बांध के रखा है वहाँ पे बन रहा है सेला टनल, नया बन रहा है। यहाँ से टनल निकलेगा उस पार, उस पार ये वाले रोड से जाना नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। वहां पे टनल बन रहा है, दिरांग 68 किलोमीटर। और इस रास्ते से जो है मैं रात को गया था, जब गया था तो एक्चुअल में खूबसूरती जो है अभी पता चल रहा है, रात को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत सुंदर है जगह। कौन सा जगह है सर ये? ये आरिवन आर्मी लोग का कैंप है ना। आरिवन आगे मिल बहुत बड़ा झील है, सेला टॉप का झील है। हाँ ये देखो यहाँ से किसी ना वो कह देगा 13,000 फीट के आसपास है, पूरा टॉप पे पहुंच जाएंगे तो 13,700 फीट होगा एल्टीट्यूड। ये रहा अल्टीट्यूड 14,000 और लगभग 14,000 के आसपास। यहाँ पे बहुत सारे बाइकर मिल जाएंगे। और ये रहा फेमस सेला गेट, तवांग गेट, फेमस तवांग गेट। जिस दिन जा रहा था उस दिन बहुत बर्फ था, आज थोड़ा सा कम हो गया है, पूरा एरिया में सिर्फ बर्फ ही बर्फ था, आज जो है कम हो गया। माइनस डिग्री होगा यहाँ पे? नहीं होगा ना, 0 डिग्री के आसपास होगा, पर रात को जो है माइनस डिग्री से ज्यादा चला जाता है ना? बहुत खतरा है। और यहाँ पे ज्यादातर जो लोग का हाई ब्लड प्रेशर रहता है या फिर लो ब्लड प्रेशर रहता है, ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है, तो यहाँ पे उनके लिए बहुत ज्यादा खतरा है। वो लोग यहाँ पर आए तो थोड़ा बहुत जो है बीपी चेक करके आना चाहिए उनको, है ना। बहुत रिस्क है यहाँ पे, बहुत लोग मरे भी हैं, लोकल लोग कहते हैं यहाँ का, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे आके उनका हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट बंद हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है यहाँ पे। अभी तो अंदर बैठे उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाहर अगर जाके चलोगे ना बस 10 मीटर चलते ही जो है थकान हो जाता है। 10 मीटर का 10 मीटर में थकान हो जाता है यहाँ पे। Oh,
हाथ हाथ बर्फ हो जाता है। ये देखो लाल हो गया हाथ पूरा, इतना ठंड है बाहर। बाकी तो पहले आर्मी में बैठे थे जहाँ तक घुमा, लद्दाख में ज्यादा 6 साल लद्दाख में रहा। आप लद्दाख में थे 6 साल, वहाँ पे तो और ज्यादा ठंडा होता होगा। हाँ बुढ़ी, वहाँ तो क्या पड़ेगा, वहाँ तो बारिश नहीं गिरी, बर्फ का इलावा सिर्फ बर्फ ही गिरता है वहाँ पे। तो 2 महीने के बाद पिछले 60 साल में आप सिला पास से कितने बार गुजरे हैं? हम सिलाबार से तो हजार बार गुजर रहा हूँ, कई हजार बार। हम लोग दूर से आते हैं एक झलक देखने के लिए, तो सर जी जो है कई हजार बार सिलाबार से गुजरे जिंदगी भर, अभी 60 साल तक ये पार करके बैठे हैं, ये पार करके हैं। तो सिलाबार के नीचे जो है सर जी का घर है ना। हम क्या किया था फिर बस, पहले डेरू भी चलता था, डेरू यहाँ से रात को बस, रात को ले जाता था, रात में नींद में गिर जाता था एकदम, चलते चलते नींद में। इस टाइम में तो रोड भी अच्छा नहीं था, रोड तो बहुत अच्छा है, कच्चा रोड था। वाह बड़ी ऐसे सेला टनल जाने वाला क्या दिख रहा है बहुत दिखो इसमें। दिरांग 50 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर जाएंगे सर जी के साथ। ठंड में पता नहीं ये लोग कैसे आए सिला पास क्रॉस करते हुए। पीछे दो इंसान थे, वो लोग हेलमेट भी नहीं पहने, पता नहीं कैसे पहुंचे यहाँ तक। सर जी जो है 25 साल इंडियन आर्मी में पारा कमांडो थे सर जी, पारा कमांडो थे सर जी, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, है ना। देखिए 60 साल हो गया सर जी का, 60 के ऊपर हो गया पर लग नहीं रहे 60 साल हो गया वो भी। उनका नाम है सिंगे, जिला पास के बाद ये जो है गांव आता है सिंगे जम्मू बोलते हैं। गाड़ी से मैं लिफ्ट लेके आ रहा था सुबह को, जो पिकअप वैन था वो वैन जो है पीछे से आ रहा है और वो तेजपुर तक जाने वाला है, तो सोच रहा हूँ मैं भी जो है उससे निकलकर तेजपुर चला जाऊँ, जो तेजपुर से गुवाहाटी थोड़ा पास हो जाएगा। अगर मैं अभी ईटानगर की तरफ जाऊँगा तो आज पहुँच नहीं पाऊँगा, गाड़ी आ रहा है पीछे से, वेट करूँगा। दिन का 1 बजने वाला है, आसपास ढूँढ रहा हूँ कुछ खाने के लिए, होटल ढूँढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। और यहाँ पर जो इनका न्यू ईयर चल रहा है जिसकी वजह से सारे शॉप्स होटल सब बंद है। 10 किलोमीटर ना, तो फिर से 10 किलोमीटर के लिए मुझे लिफ्ट मिल गया है यहाँ से दिरांग के लिए। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है रामा कैंप। रामा कैंप जी। आप कहाँ से भैया? एक्चुअली वो दिरांग से हूँ मैं। दिरांग से तेजपुर कितना किलोमीटर है? 200 किलोमीटर होगा। मेन मार्केट है दिरांग का, मेन मार्केट है। और यहाँ पे जो रोड ना बहुत ही नैरो है, और तवांग जाने के टाइम में या फिर आने के टाइम में तवांग से यहीं पे जो है जाम हो जाता है और बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे, है ना भैया? इसी जगह पे ज्यादा जाम, यही जगह पे जाम हो जाता है बहुत। ऐसे टाइम आता है कि 1-2 घंटा भी रोकना पड़ सकता है आपको कभी कभार, इतना जाम हो जाता है। एक बाईपास बन रहा है ना उधर कहीं पे, बाईपास ऊपर से जा रहा है, लेकिन वो कब होगा भगवान जाने, वो लेट होगा, बहुत लेट होगा। तो ये रहा, नीचे देख रहे हो दिरांग शहर, दोनों तरफ शहर है, बीच में नदी गया हुआ है, बहुत ही सुंदर है। दिरांग से बोमदिला कुछ 41 किलोमीटर है, ईटानगर 300 किलोमीटर है, तेजपुर 200 किलोमीटर है। सो मैं यहाँ पे बैठ के अभी सोच रहा हूँ मैं जो है यहाँ से तेजपुर निकल जाता हूँ, ईटानगर जाऊँगा, बेकार में 100-150 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। दिन का सिर्फ 2 ही बजा है और नेक्स्ट टारगेट जो है वो रहेगा बोमदिला तक। बोमदिला तक भी अगर पहुँच जाऊँगा तो रात को वहाँ पे कहीं पे स्टे कर लूँगा। एक दिक्कत होता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है, 12-1 बजते जो है गाड़ी आना जाना बहुत कम हो जाता है, बहुत कम। जो गाड़ी जाता है इधर सुमो जाता है, जो बहुत एक्सपेंसिव होता है मेरे जैसे ट्रैवलर के लिए। बैग ऐसे पड़ा है, बैठा हुआ हूँ और नीचे दिरांग शहर का व्यू का लुत्फ उठा रहा हूँ। बाली 12 तक मुझे लिफ्ट मिल गया जो कि मेन स्क्वायर है, वहाँ से मैं कहीं जहाँ जाऊँगा वहाँ जा सकता हूँ, गुवाहाटी जा सकता हूँ, तेजपुर जा सकता हूँ या फिर ईटानगर भी जा सकता हूँ। कहाँ से आप लोग? अरुणाचल नहीं, चार तरफ वो कहाँ पे? वो
वो आगे में तेजपुर में है। अच्छा, असम में। इतना नैरो है, वो गाड़ी पीछे जा रहा है, फिर जो है ये गाड़ी निकलेगा हमारा। धीरांग बस्ती से गुजर रहे हम लोग, धीरांग गांव। भूटान बॉर्डर एक जगह है जिस जगह का नाम लुमला है और वो होता है इंडिया भूटान बॉर्डर। सो यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से हाँ 400 नहीं उतना नहीं होता, 300 हाँ 300 करीब 300 किलोमीटर के आसपास। ये जगह का नाम है बोमदिला, नाम भूल जाता हूँ, बुमला बोमदिला लुमला। बहुत सारा, इतना सारा होता है ला ला, तो कई बार जो कन्फ्यूज़ हो जाता है दिमाग। रात का जो नज़ारा होता है यहाँ से बहुत ही सुंदर होता है, बोलते हैं ना भाई, रात में बहुत सुंदर दिखता है यहाँ से। चीज बहुत सही है, तवांग एरिया में जाओगे ना, यहाँ का जो रोड है ना बहुत अच्छा है, एटलीस्ट बोमदिला तक जो है रोड बहुत अच्छा है। देख रहे हो भाई, ड्राइविंग करने में बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। अगर आपका ड्राइवर हो तो आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ लाइसेंस लिए और निकल लिए यहाँ पर, ऐसे नहीं है, आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरत है ना। एक्साइटमेंट में चला देते हैं, मज़ा आता है ना जब नीचे की तरफ जाता है। एग्जैक्टली 6 बजे और यहाँ पे नया टनल बन रहा है, नेची फू टनल। कल रात को जो है यहाँ पर भागते भागते पहुँचता हूँ, जगह का नाम है भालुकपोंग। और यहाँ पे जब रात को 8 बजे पहुँचता हूँ तो यहाँ पे जो है जल्दी बंद हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने मंदिर ढूंढा, मस्जिद ढूंढा, आखिर में जो है मुझे एक रूम लेना पड़ा जो कि 300 रुपीज़ के है। सो यहाँ पे जब रात को भागते भागते पहुँचता ना, उसके बाद जो है मुझे कुछ यहाँ पे रहने के लिए जगह मिलता नहीं है, आखिर में मुझे जो है ये रूम लेना पड़ता है जो कि 300 रुपीज़ का है। सो भालुकपोंग से जो है मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ तेजपुर की तरफ। तेजपुर जो है यहाँ से कुछ 60 किलोमीटर के आसपास है। तो मेरे दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्दी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।